बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बीवी आलिया की माने तो बीते 7 दिन से घर में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। घर के हॉल में उनको सीमित कर उनकी निगरानी की जा रही है। उन्हें न खाना मिल रहा है, न उनके पास सोने को बिस्तर है और न बाथरूम। आलिया ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया है कि अपने शौहर के घर में उन्हें हॉल में रहने को मजबूर किया जा रहा है। दुबई से लौटे उनके बच्चे भी सोफे पर सोने को मजबूर है। सिक्योरिटी गार्ड और कैमरों से उनकी निगरानी की जा रही है। वे किसी तरह गेस्ट टॉयलेट का इस्तेमाल कर पा रही है। उन्होंने बताया है कि यह सब कुछ 7 दिनों से चल रहा है, लेकिन उनके शौहर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं है। आलिया के वकील ने इस प्रताड़ना के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवारों को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही पुलिस पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। हम लोग कोर्ट से, कोर्ट के ऑफिसर्स हैं, वकील हैं, क्लाइंट का साइन ले रहे हैं। सामने वाला मतलब उनके सिक्योरिटी गार्ड वाले हमको साइन करने के लिए मना कर रहे हैं और दादागिरी कर रहे हैं। आलिया के वकील रिजवान ने कहा कि नवाजुद्दीन और उनके घर वालों ने आलिया को घर से बेदखल करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। वकील के अनुसार ससुराल में आलिया को खाने और नहाने तक नहीं दिया जा रहा है। तो अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तो अपनी ड्यूटी करो बस। तो हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम मैम को बोल रहे हैं और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। तो फिर अपना सर फोड़ के लेंगे क्या होता है, अपना सर फोड़ के लेंगे क्या होता है? मतलब आप कंप्लेंट कर रहे हो ना, तो पुलिस को बुलाएंगे ना हम लोग, क्यों बुलाएंगे? आलिया की सास द्वारा FIR को झूठा बताते हुए एडवोकेट रिजवान ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई कर आलिया को परेशान करने का आरोप लगाया है। रिजवान ने कहा कि पुलिस ने कभी भी आलिया के अधिकारों की रक्षा नहीं की, यहां तक कि उनकी प्रताड़ना और फजीहत उन्होंने पुलिस के आगे की है। वकील का आरोप है कि पुलिस के आगे ही न सिर्फ आलिया के चरित्र पर सवाल खड़े किए गए बल्कि उनके बच्चे की प्रामाणिकता पूछी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।